From here, the boy will, will move like this. He will move like this. And then, after that, the boy will reach the river. So, this is the way how the boy has reached the river. So, let's start our chapter now. So, here it is given a young boy sat. हिज हार्ट ऑन गोइंग टू द रिवर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन मीन्स दे इज अंग बॉय मीन्स दे इज़ अ स्मॉल बॉय छोटा सा बॉय था स्मॉल बॉय था उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वो आज रिवर तक जाके रहेंगा जो माउंटेन्स के दूसरी साइड में था दस ही गैद हमें इस स्टोरी में ये जाना है कि वो जो बॉय था यंग बॉय जो था वो रिवर तक पहुँच पाया ये हमें जाना है इस चैप्टर में

द थकली फॉरेस्टेड माउंटेन हिट द रिवर बट दॉय वेयर इट वॉस एंड वेयर इट लुक लाइक जो थी फॉरेस्ट हमें जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे माउंटेन में जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे झाड़ वगैरह थे वो रिवर को छुपा रहे थे बट द बॉय न्यू लेकिन जो बॉय था उसे पता था कि जो रिवर है वो कहाँ है और रिवर कैसा दिखता है He had never seen the river from his uh, with his eyes but from the villagers he had heard of it of the fish and its of its rocks, currents and waterfalls and it only reminded to for him to touch it personally. Means in this line uh, it is tell. मीन जो बॉय था बॉय ने उस उस रिवर को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा है लेकिन जो बॉय था उसने विलेजर से सुना है जो, जो लोग थे उ, उन, उनसे इस बॉय ने सुना है कि उस रिवर के बॉटम में उस रिवर के पानी में विश फिश होती है और रॉक्स भी होते एकदम गहरे में रॉक्स पींच पत्थर भी होते एकदम नीचे में करंट होता है और वाटरफॉल्स भी होती है और वो उस वाटर को टच करना चाहता था ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस ऑन द हिल अपोजिट द माउंटेन गेस्ट अक्रॉस द वैली ड्रिमिंग ऑफ द रिवर मीन्स जो वो बॉय था वो अपने हाउस के सामने एकदम खड़ा था और ऑन द हिल मीन्स हिल पे मीन्स पहाड़ियों पे उसका घर था और वो पहाड़ी के अपने मीन्स अपने घर के एकदम फ्रंट में अपने घर के सामने वो खड़ा था और उसके आगे में माउंटेन था उसके अपोजिट साइड में माउंटेन था एंड गेस्ट अक्रॉस द वैली और उसके एकदम आगे में गेस्ट मीन्स क्या होता है गेस्ट मीन्स खोरना देखना और वो उधर खड़े खड़े रिवर के बारे में ड्रीम कर रहा था मीन्स रिवर के बारे में एकदम रिवर के सपने रहा था सोच रहा था रिवर के बारे में ही वॉज अबाउट ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड अस्टोडी बॉय विद अन टाइडी ब्लैक हेयर एंड शाइनी ब्लैक आइज वो जो बॉय था वो ट्वेल्व ईयर्स का था हाउ मच ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स और वो एक स्टडी बॉय था स्टडी मीन्स क्या होता है स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय था और उसके जो हेयर थे वो ब्लैक कलर के थे इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी हेयर आर इज बॉयज हेयर डीज आर अनटाइडी अनटाइडी मीन्स वो एकदम कॉम किए थे एकदम बिखरे जैसे इसके मीन्स uh, इसके एकदम बिखरे जैसे एकदम मीन्स कॉम नहीं किए से उसके हेयर हैं और उसकी जो आइस थी वो एकदम ब्लैक कलर की आइस थी सबकी ब्लैक ब्राउन होती है उसकी भी ब्लैक थी और उसकी जो आइस थी वो शाइनी भी थी ही हैड फाइन फीचर्स एंड क्लियर ब्राउन स्किन बट हिज हैंड्स एंड फीट वा एंड स्क्रैच उसके पास फाइन फीचर्स थे फाइन फीचर्स मीन्स इन द बॉक्स इट इज़ गिवन वाज गुड लुकिंग मीन्स वो जो बॉय था वो बहुत अच्छा दिख रहा था और उसके उसकी ब्राउन स्किन भी थी उसकी मीन्स ब्राउन स्किन थी और वो बहुत एकदम क्लियर था उसकी जो स्किन थी वो बहुत क्लियर थी लेकिन उसके जो हैंड थे और उसकी जो फीट थी वो रफ थी और एकदम स्क्रैच की हुई थी उसकी फीट में फीट और उसके हैंड में स्क्रैच किया हुआ था ही वॉज बे अफोर्टेड नॉट बिकॉज ही कूडेंट अफोर्ड शूज बट बिकॉज ही फिल्री इन बीर फीट मीन्स वो जो बॉय था वो बेयर फुटेड बियर फुटेड मीन्स उसने कुछ नहीं मीन्स वो एकदम अपने कुछ स्लीपर वगैरह कुछ शूज वगैरह नहीं पहने उसने वो एकदम ऐसे ऐसे ही वो चल ऐसे ही वो चल रहा था बट uh, मीन्स अभी इधर बताया गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसलिए क्योंकि वो शूज इधर ये बताया गया इसलिए नहीं ये स्तर बताया गया वो इसलिए नहीं उसने ये स्लीपर वगैरह शूज़ नहीं पहने थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाता अफोर्ड मीन उन शूज़ को खरीद नहीं पाता इस क्योंकि इसलिए उसने नहीं पहने थे क्योंकि उसको जो उस जगह की जो ज़मीन थी उसको बहुत एकदम प्यार प्यारी लगती थी उसकी इसलिए वो जो ज़मीन थी उस पर वो एकदम बिना कोई बैर फीट बैर फीट के साथ ही वो पैर रखता था कोई स्लीपर वगैरह शूज़ वगैरह नहीं पहनता था ही लाइक द फील ऑफ वाम स्टोन एंड कूल ग्रासेज एंड नॉट पेरिंग दूज सेफ्टिम द ट्रेबल ऑफ टेकिंग दम होम मीन्स उसको मीन जब वो मीन्स पेयर फुटेड था मीन्स कोई स्लीपर कोई शूज नहीं पहनता था तो उसको एकदम मीन्स वाम स्टोम का फील होता था मीन जो गर्म गर्म पंथर है जो ठंडी ठंडी ग्रासेस है उनमें उसको अच्छे चलने में मज़ा आता था और वो शूज़ इसलिए एक ये एक और रीज़न है कि वो शूज़ इसलिए भी नहीं पहनता था क्योंकि देखो हम लोग कुछ शूज, शूज स्लीपर्स वगैरह रख देते हैं हमें उन शूज़ स्लीपर्स को रखना पड़ता है पहनना पड़ता है इसलिए वो इन चीज़ का भी परेशानी नहीं उठाना चाहता था इसलिए वो नहीं पहनता था नेक्स्ट वन इज एट वॉज इलेवन ओ क्लाक एंड ही न्यू पेरेंट्स बोल्ड एंड बी होम टिल इवनिंग ये इलेवन ओ का टाइम था और जो बॉय था उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स थे उसके जो मदर फादर है वो इवनिंग तक ही घर आएंगे मीन्स वो शाम तक ही उसके मम्मी पापा घर आएंगे. देयर वॉज अ लॉ फॉर ब्रेड ही कुल टेक हिम एंड ऑन द वे ही माइट फाइन सम फ्रूट और उधर एक लॉफ ऑफ ब्रेड था मीन्स उसके होम में एक लॉफ ऑफ ब्रेड मीन्स एक ब्रेड का एक लॉफ था लॉफ मीन्स एक ब्रेड था उसके पास और वो वो उसने भी सिर्फ वो एक ही ऑफ ब्रेड लेके गया एक ही ब्रेड लेके गया क्योंकि उसको लग रहा था कि रास्ते में उसको कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे ट्रीज से Here was वॉज द अपॉर्चुनिटी हेयर एडवेटेड फॉर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी इट वॉट नोट कम इट वॉट कम इट वॉड नाट कम अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज इट वॉज वेरी ऑफ often his मदर एंड फादर विजिटेड रिलेटिव फॉर एंटायर डे उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि उसके जो मम्मी पापा थे वो बहुत देर के लिए उसके रिले उसके जो मम्मी पापा थे वो उनके रिलेटिव से मिलने गए थे पूरे दिन और उन्होंने उस जो बॉय को घर पे अकेला छोड़ा था उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि उसके मम्मी पापा घर पे थे वो सिर्फ अकेला था अपने घर में दे हैड गॉन आउट ऑन सम इम्पॉर्टेंट डेट वॉज बाय and two बीन ले जो मम्मी पापा थे वो कुछ इंपॉर्टेंट uh, काम के लिए गए थे और उसके लिए उसने उनके मम्मी मदर फादर ने उस बॉय के लिए स्केचिंग मिल छोड़ी थी स्केचिंग मिल्स मीन्स नॉट अ प्रॉपर मीन्स मीन्स एकदम सिंपल फूड एकदम प्रॉपर मिल नहीं और अभी बताया गया स्केचिंग मिल में क्या क्या था एक लॉफ था ब्रेड का मीन्स एक ब्रेड था सम मिल्क था सम मिल्क मीन्स कुछ मिल्क था और टू एग्स थे ही इवेंट इंटू द नेक्स्ट इट इज नंदाग ही इवेंट इंटू द हाउस एंड ब्रेंट द लॉफ एन अवज़ पेपर वो अपने हाउस में गया मीन्स को अपने घर में गया फिर बाद में उसने जो लॉफ ऑफ ब्रेड था उसको एक न्यूजपेपर पे पर रखा उसको ब्रैप करने लगा मीन्स उसको एकदम ऐसे कवर करने लगा न्यूजपेपर से देन ही क्लॉज शोल्डर डोर्स एंड विंडोज फिर बाद में वो जब आ, हाउस से निकल रहा था उसने सभी डोर्स को और विंडोज़ को क्लोज कर दिया दे पार्ट टू दार्ट टू द रिवर ड्रॉप स्टेपली टू दैली देन रोज एंड अराउंड द बेक माउंटेन मींस जो पार्ट था जो रास्ता था माउंटेन मींस माउंटेन में जो रास्ता था कभी ऐसा होता इधर बताया गया माउंटेन में कभी रास्ता ऊपर जाता है ऊपर ऊपर नीचे ऐसा रास्ता था माउंटेन में इधर बताया गया है इट वॉज फ्रिक्वेंटली यूज बाय द विजेस दुड कट ए मिल्क मैन यू ड्राइवर्स बट देअ वॉज नो वन विजेस प्योन द माउंटेन और नियोर द रिवर मींस इधर बताया गया है माउंटेन में या फिर रिवर के पास में कोई भी विलेजेस नहीं थे मीन्स कोई भी गांव वगैरह नहीं थे सिर्फ वुड कटर्स सिर्फ एक वुड कटर्स था एक मिल्कमैन था और एक म्यूल ड्राइवर्स था म्यूल ड्राइवर्स मींस जो मीन्स कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपने हॉर्स वगैरह को ऐसे लेकर कुछ सफर आ, सफर पर निकलते उन्हें हम म्यूल ड्राइवर्स कहते हैं नेक्स्ट वन इज द बॉय फास्ट अ वुड कटर एंड आस्ट हिम हाउ फार इट वॉज टू द रिवर जो बॉय था एक वुड कटर से मिला तो फिर जो बॉय था उसने पूछा कि अभी मीन्स जब वो रास्ते में था मीन्स उसने हाफ या थोड़ा रास्ता तो कवर कर लियाऊंगा फिर बाद में उसने पूछा अभी मैं रिवर से कितना दूर हूँ उसने वुड कटर से ऐसा पूछा द वुड कटर वॉज अ शॉर्ट बट पावरफुल मैन विद अ क्रिश एंड विदआउट फेस एंड मसल्स डेट शुड आउट इन हार्ड अंगली हम्स जो वोट करता था वो शॉर्ट था वो छोटा था लेकिन वो बहुत पावरफुल मैन था और वो एकदम क्रिस्ड और वेडर्ड फेस था इन द बॉक्स इट इज गिवेन क्रीड एंड शोज दर्सन अफ मीन्स क्रिस्ड एंड वेडर्ड फेस मीन्स वो एकदम ऐसा चेहरा बना था कि उसको जो बॉय को ये लग रहा था कि मीन्स उसकी जो जिंदगी उसकी जो लाइफ है वो बहुत कठिन है और उसकी मसल भी एकदम पावरफुल थी मीन्स उसकी मसल भी बहुत ज़्यादा थी सो टिल हेयर फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय